हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन कॉमिक सीरीज। इस बार इस सीरीज में आप लोगों को राज कॉमिक्स में नागराज की वर्ल्ड टेररिज्म सीरीज देखने को मिलेगी, जहां नागराज निकल पड़ा है विश्व आतंकवाद के सफाई के मिशन पर और कहलाता है आतंक हर्ता नागराज। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, नाजी जनरल रुडोल्फ हॉस डायमिट, जो सोवियत सेनाएं नाजी के आगे घुटने टेक रही थी, उनकी इतनी औकात कैसे हो गई कि वे बर्लिन में घुस आए, यह देख सूथसेयर ने कहा, औकात हुई नहीं, बढ़ाई गई है। ऑर्डर ऑफ बेबल के द्वारा, ऑर्डर के रहनुमा लेथ फेंदे के द्वारा, ऑर्डर के सहयोगी हंटर के द्वारा। हंटर नाजी सेना को नेस्तनाबूद करता हुआ आगे बढ़ रहा था। अपनी सेना को हारता देख सूथसेयर हिटलर के दोनों बच्चों को लिए वहां से भागने लगा। तभी हंटर ने सूथसेयर का रास्ता रोका और कहा, तेरे पाप की सारी कड़ियाँ ऐसे ही कट कर बिखर जाएंगी, तू अब किसी और को अपना मोहरा नहीं बना पाएगा निमरोद। और अगले ही पल हंटर ने सूथसेयर पर वार करने के लिए छलांग लगा दी। यह देख सूथसेयर ने एक बच्चा हंटर की तरफ उछाल दिया और कहा, मेरी आखिरी चाल अभी बाकी है, और सूथसेयर वहां से भाग निकला। तब हंटर ने बच्चे को संभालते हुए कहा, मैंने समय रहते तो कोई भी रोक ली, वरना आज एक मासूम के लहू से रक्तिम हो जाती। पर निमरोद बचकर भाग निकला। 2 सितंबर 1945, बर्लिन। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। संपूर्ण विश्व हिटलर और नाजियों के पतन का हर्ष मना रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर की मृत्यु के साथ ही खत्म हो चुका है, और विश्व का हर इंसान शायद यही दुआ मांग रहा होगा कि दोबारा इस विभीषिका का गवाह विश्व को कभी ना बनना पड़े। 2 सितंबर, बर्लिन। आज का समय, नियो नाजी सेना हावी होती जा रही थी GIW और हाइड्रा फोर्सेस पर। माइकल और एडा नियो नाजी सेना का जवाब दे रहे थे, और उधर बिग ब्रदर और हाइड्रा की कैट्स बैरोनेस से उलझे हुए थे। एडा ने माइकल को संभालते हुए कहा, नाग साथियों के गायब होने से हमारी मुसीबतें बढ़ गई हैं, आखिर वे लोग अचानक कहाँ गायब हो गए। तब माइकल ने बताया, या तो नागराज ने किसी कारणवश उन्हें वापस बुला लिया है, या फिर वे हमारी तरह किसी घोर आपदा में फंस गए हैं। वजह चाहे जो भी हो, उनकी अनुपलब्धि हमारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, हमें लड़ना है और जिंदा रहना है। तब एडा ने कहा, जर्मनी और माइकल को मुश्किल में छोड़कर एडा मरने वाली नहीं है। इतना कहने के साथ ही एडा और माइकल अपनी पूरी ताकत जुटाकर नियो नाजी सेना पर हमला कर दिया था। उधर हाइड्रा की कैट्स बैरोनेस के पालतू से जूझ रही थीं। तभी बैरोनेस ने बिग ब्रदर पर वार करते हुए कहा, इन नचनियों का भैया बनकर तू भी इनके जैसा ही हो गया है बिग ब्रदर, तेरे भीतर किलर इंस्टिंक्ट नहीं है। तभी हंटर वहां आ पहुंचा और बैरोनेस पर वार करते हुए कहा, मुझे ट्राई करके देख, मेरे भीतर काफ़ी किलर इंस्टिंक्ट है, देख तुझे देखकर तोई कोई भी कैसे लपलपा रही है, इतना शरारती मैंने इसे कभी नहीं देखा, तेरे शरीर से तो पूरी खाल छील डालने के मूड में लगती है तोई कोई भी। तभी बैरोनेस ने तोई कोई भी से बचने के लिए अपनी आंखों पर कपड़ा बांध कर हंटर पर हमला कर दिया। उधर नियो नाजी के कंट्रोल रूम से माइकल और एडा को टारगेट बनाकर एयर स्ट्राइक का आदेश दे दिया गया। अपनी तरफ बढ़ते फाइटर जेट्स को देखकर माइकल ने कहा, जर्मन एयरफोर्स हम पर मिसाइल दाग रही हैं, इनकी वाइड रेंज से भागकर बचना संभव नहीं है। लेकिन तभी मिसाइलों की दिशा बदल गई, और अगले ही पल मिसाइलों ने जर्मन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स को ही तबाह कर दिया। तब DNA ने वहां प्रवेश किया और कहा, मेरी इंटरसेप्टर डिवाइस ने कंप्यूटराइज्ड मिसाइलों का टारगेट हैक करके उनके बेस ओरिजिनेटर एयरक्राफ्ट्स पर ही सेट कर दिया था। अकेले नहीं आया हूँ गार्जियन, ऑर्डर के संरक्षक सुपर सिक्स को भी साथ लाया हूँ। और तब ऑर्डर ऑफ बेबल के सदस्यों ने वहाँ पहुँच कर मौत का तांडव मचा डाला, लेकिन नियो नाजी सेना बढ़ती ही जा रही थी। यह देख एडा ने कहा, पूरी जर्मनी और नियो नाजी सेना के सामने मुट्ठी भर GIW और ऑर्डर के लड़ाके, इस युद्ध का परिणाम लगभग तय है। यह सुन माइकल ने कहा, परिणाम बदल भी सकता है यदि नागराज और उसके नाग साथी इस युद्ध में हमारे साथ होते, पर ना जाने नागराज कहाँ है और कहाँ हैं उसके नाग साथी। उधर नाग मानव एक गुप्त स्थान पर जा पहुँचे थे। तभी कुछ शस्त्रधारी वहाँ पहुँचे और कहा, कोई सवाल नहीं, एक शब्द भी नहीं, जो कुछ भी कहना सुनना है उनके सम्मुख पहुँच कर कहना, आओ हमारे साथ। इधर युद्ध के मैदान में जनरल स्ट्रैंगलर ने कहा, युद्ध जज्बे से नहीं बर्बरता से जीता जाता है, और बर्बरता में नियो नाजी का कोई मुकाबला नहीं है। तभी नागराज वहाँ पहुँचा और अपनी नाग सेना से नियो नाजी सेना पर हमला करते हुए कहा, यदि युद्ध वाकई बर्बरता से जीता जाता है तो फिर इस युद्ध में तू नहीं जीत सकता स्ट्रैंगलर, क्योंकि आतंकवाद देखकर
जो बर्बरता नागराज के रगों में भर जाती है, जो विष नागराज के रोम रोम में हौलता है, उसका मुकाबला विश्व आतंकवाद की सम्मिलित बर्बरता भी नहीं कर सकती। फिर तेरी नियो नाजी सेना की औकात ही क्या है? यह देख जनरल स्ट्रैंगलर ने कहा, उड़ा दो नागराज को। और अगले ही पल नियो नाजी सेना की तोपों ने नागराज को घेर लिया था। तब नागराज ने उन तोपों पर सैकड़ों सर्प छोड़े और कहा, नागराज कोई चिड़िया नहीं है स्ट्रैंगलर, जो तू उसे उड़ा देगा। तू जैसे आतंकवाद के तिनकों को फना कर दे, वह तूफान है नागराज। फिर नागराज ने नागरसियों की मदद से तोपों के मुंह बंद कर दिए और अगले ही पल कई टैंक्स धमाके के साथ तहस नहस हो गए। फिर नागराज नियो नाजी सेना पर कहर बनकर टूट पड़ा और कहा, कुछ समय पूर्व जो कुछ भी मेरे साथ घटित हुआ है, उसके बाद मैं अपने इच्छाधारी नाग साथियों को पुनः अपने शरीर में धारण नहीं कर सकता, परंतु मेरी सीमित नाग शक्तियाँ आतंकवाद उन्मूलन की इस लड़ाई में मेरी कमजोरी बिल्कुल नहीं बनेंगी, क्योंकि युद्ध जीतने के लिए अति मानव शक्तियों की नहीं आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। GIW और ऑर्डर के लड़ाकों में भी वही जीत का आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प नजर आ रहा है। फिर नागराज ने अपने सर्पों से जनरल स्ट्रैंगलर को जकड़ दिया और कहा, तुझे बर्बरता का बहुत चस्का है ना स्ट्रैंगलर, तेरी बर्बर मौत का वह दृश्य दिखाऊंगा मैं इन नाजियों को कि बर्बरता के नाम से ही तौबा कर लेंगे। और तब नागराज ने अपने जहरीले दंत स्ट्रैंगलर की गर्दन में धंसा दिए और देखते ही देखते जनरल स्ट्रैंगलर मोम की तरह पिघल गया। इंसानियत के दुश्मनों के लिए नागराज के दिल में कोई रहम नहीं है। उधर हाइब्रिड बिग ब्रदर पर हावी हो रहा था। हाइब्रिड ने बिग ब्रदर पर कई घातक प्रहार किए, तभी नागराज वहां आ पहुंचा और सरप्रसियों की मदद से हाइब्रिड को बिग ब्रदर से दूर उछाल फेंका। तब नागराज ने कई सूक्ष्म सर्प छोड़े और कहा, इसकी गेंडे जैसी खाल में भी कई ऐसे छिद्र हैं जिनसे मेरे सूक्ष्म सर्प इसके भीतर प्रविष्ट हो सकते हैं। इसके कुछ समझ पाने से पूर्व भी मेरे सैनिक सर्प इसके भीतर ही अपना आकार बढ़ाना शुरू कर देंगे और जिसका दबाव इसकी नसें नहीं सह पाएंगी। और अगले ही पल उस दरिंदे हाइब्रिड की मौत हो गई। उधर हंटर ने धर दबोचा बैरोनेस को और कहा, जंगली बिल्ली लाख पंजे मार ले, शेर का शिकार नहीं कर सकती। अपनी दरिंदगी पर नाच करने वाली आज तुझे हंटर बताएगा कि इसका स्वाद कैसा होता है। और तब हंटर ने अपनी तोई कोपी से बैरोनेस के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा, हंटर से आँख मिचौली खेलने चली थी तोई कोपी, इसी से मौत की आँख मिचौली खेल गई। हंटर को देख नागराज ने कहा, मुझे यकीन था कि तुम इस युद्ध में आगम करोगे हंटर। तब हंटर ने बताया, क्योंकि मुझे संदेह था कि तुम इतनी शीघ्र वापस आओगे नागराज, परंतु अब जबकि तुम सत्य से भली भांति अवगत हो चुके हो, तब विधि के विधान को पूर्ण करने के लिए तुम्हें स्वतः ही यह जंग लड़नी पड़ेगी नागराज। फिर हंटर ने वहां से जाते हुए कहा, हंटर इस जंग को समाप्त करने आएगा नागराज, अब संभालो अपना मोर्चा। हंटर सही कह रहा है, तुम भी जाओ हंटर, नागराज अकेला ही हर युद्ध के लिए पर्याप्त है। यह आतंकवाद और आतंकहर्ता की लड़ाई है, इसमें हार किसी की भी हो, जीत मैं आतंकवाद की नहीं होने दूंगा। उधर नाजियों के विरुद्ध संघर्ष में बिग ब्रदर मारा गया। यह देख नागराज ने कहा, बिग ब्रदर मरा नहीं है माइकल, जर्मनी और कैट्स के प्रति अपना संरक्षक धर्म निभाते हुए शहीद हुआ है। जब मैं आतंकवाद रूपी अमर बेल का समूल नाश करने जर्मनी पहुंचा था, तब मुझे कदापि अंदेशा नहीं था कि इसकी जड़ कितनी गहरी है। यहां पहुंचते ही ऑर्डर ऑफ वेबल ग्रुप, जिसे मैं आतंकवादी संगठन समझ रहा था, उसने मुझे जर्मनी से भेजने के भरसक प्रयास किए। दूसरी ओर लेथफेंदे ने मार्गदर्शक बनकर मुझे विश्व युद्ध की विभीषिका से अवगत कराया। वह प्रेरित किया कि मैं उस ऑर्डर स्क्रॉल को तलाशूं, जो कि जर्मनी व विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से बचा सकता है। जर्मनी के विभिन्न गिरजाघरों और कैथेड्रल में सिर्फ मैं ही नहीं, ऑर्डर ऑफ बेबल भी ऑर्डर स्क्रॉल की तलाश कर रहा था। मुझे अपने मकसद का पता था, पर उनके मकसद से मैं अनजान था। ऑर्डर स्क्रॉल की यह तलाश मुझे ले आई पेड्रो तक। पेड्रो ने मुझे कुछ ऐसे क्लू दिए जिन्होंने मुझे इन सभी घटनाओं को देखने और समझने का अलग दृष्टिकोण दिया। इस दृष्टिकोण में मुझे कई अलग समीकरण नजर आए। मुझे ज्ञात हुआ कि इच्छाधारी नाग जाति का भी विश्व युद्ध और ऑर्डर स्क्रॉल से गहरा नाता है, और यह सभी तार जिस एक कड़ी से जुड़ते थे वह थी लोला। लेकिन लोला को मामूली समझना मेरी भूल थी। नियो नाजियों की सेना और उनके सरगना लॉर्ड मॉर्बियस के लोला के पीछे पड़ने से यह बात सिद्ध होती है। लेकिन ऑर्डर स्क्रॉल के मिलने के साथ ही सब खत्म नहीं हुआ, बल्कि घटनाओं ने एक नया मोड़ ले लिया है और अब समीकरण बदल चुके हैं। नियो नाजी और लॉर्ड मॉर्बियस जर्मनी को और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर
पूरे विश्व को गुलाम बनाने की मुहिम शुरू कर चुके हैं, परंतु कुछ घटनाएं मेरे लिए भी अप्रत्याशित हैं जिन्होंने अब परिस्थितियों को एक नया मोड़ दे दिया है। तब माइकल ने कहा, अगर तुम अभी भी इस उधेड़बुन में हो कि हमें दोस्त समझो या दुश्मन, तो तब नागराज ने कहा, नागराज सिर्फ मानवता के दुश्मनों को ही अपना दुश्मन समझता है और तुम लोग मानवता के शत्रु नहीं हो सकते, यह बात मैं समझ गया हूँ। तब समायरा ने बताया, हमारे लिए यहाँ कुआं और खाई वाली स्थिति थी नागराज, दोनों ही सूरतों में जीत न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ही होती। तब नागराज ने कहा, ना जर्मनी गुलाम बनेगा ना ही यह विश्व, यह तुमसे नागराज का वादा है। और इस युद्ध में ऑर्डर ऑफ बेबल नागराज के साथ थे। उधर निमरोद ने कहा, युगों से जिसकी प्रतीक्षा थी वह नियति छलावे के समान हाथों में आकर फिसल गई, परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मात्र प्रतीक्षा कुछ समय के लिए बढ़ गई है। मृत्यु तो नागराज की नियति है, नागराज स्वयं अपनी मृत्यु को ढूंढता हुआ उस तक पहुँचेगा, परंतु उससे पूर्व संपूर्ण विश्व को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंतर्गत एक राष्ट्र बनाने की मुहिम तेज करनी होगी। सिल्वरलैंड एशिया राजकुमारी तकासी ने कहा, तो सूचना गलत नहीं थी। यह सुन सेंगो ने बताया, सिल्वरलैंड के सबसे बड़े आतंकी संगठन कोबरा फोर्सेस ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की अधीनता स्वीकार कर ली है और अब कोबरा फोर्स सिल्वरलैंड और राजमहल पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का परचम फहराकर सिल्वरलैंड को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एक राष्ट्र मुहिम का हिस्सा घोषित करना चाहती है। अब तक हमारी सेना पूरी बहादुरी से डट कर कोबरा फोर्सेस का मुकाबला कर रही है, परंतु कोबरा फोर्सेस की बढ़ती हुई शक्तियाँ और संख्या का हमें कोई अनुमान नहीं था। कोबरा फोर्सेस ने सिल्वरलैंड राजमहल को चारों ओर से घेर लिया है। हम किसी पड़ोसी देश से भी सैन्य सहायता की अपेक्षा नहीं रख सकते, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र अभी समान समस्या से जूझ रहा है। यह सुन राजकुमारी तकासी ने कहा, अब हम क्या करेंगे सेंगो, सिल्वरलैंड को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा बनाने से कैसे बचाएं? तब सेंगो ने कहा, आप चिंतित ना हो राजकुमारी, जब तक श्वास का एक भी कतरा सेंगो के शरीर के भीतर रहेगा, कोबरा फोर्सेस का एक भी आतंकी सिल्वरलैंड राजमहल के भीतर प्रवेश नहीं कर सकेगा। और इतना कहते ही सेंगो टूट पड़ा कोबरा फोर्सेस पर। उधर जर्मन पार्लियामेंट बर्लिन DNA ने कहा, नियो नाजी सेना ने जर्मन पार्लियामेंट को छावनी में तब्दील कर दिया है, बट फिकर नॉट, पिछले कुछ समय में छावनियां उड़ाने का काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। यह सुन जिंग ने कहा, तो क्या इस बार नियो नाजी सेना से यह कबूतरों का झुंड लड़ने वाला है? तब DNA ने बताया, एक्शन रिपीट करना मेरा स्टाइल नहीं है, तुम सही समझे, यह सभी कबूतर ट्रेंड हैं, मैंने इन्हें एक विशेष केमिकल मिक्स खिलाया है, वह बाई प्रोडक्ट हवा के साथ रिएक्शन करके घातक एक्सप्लोजिव बन जाता है। अब यह ट्रेंड कबूतरों का झुंड उड़ेगा और पार्लियामेंट के ऊपर पहुंचते ही बीट के रूप में बाई प्रोडक्ट की बारिश नाजी सेना पर करेगा। हवा से घर्षण करते हुए जैसे ही बीट सतह से टकराएगी, वैसे ही जोरदार धमाके होंगे। धमाकों की आवाज़ सुन लॉर्ड मॉर्बियस चौंक पड़ा, यह धमाका कैसा, सभी यूनिट्स को अलर्ट कर दो, आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में चिड़िया भी उड़ती नजर आए तो मार गिराओ उसे, सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बंधक बना लो, यदि कोई भी होशियारी दिखाए तो इनके खून से पार्लियामेंट धो देना। तभी मॉर्बियस के आदमियों ने वहां जमीन में कुछ हलचल महसूस की। यह क्या, अचानक जमीन क्यों कांपने लगी, जैसे भूकंप आ रहे हों, सांप, चारों ओर सांप ही सांप, पक्की ग्रेनाइट व मार्बल का फर्श तोड़कर नीचे से सांप निकल रहे हैं, इतने सारे नागों का तो सिर्फ एक ही अर्थ है। तभी नागराज ने ऑडिटोरियम में प्रवेश किया और नाग सेना ने लॉर्ड मॉर्बियस के सैनिकों पर हमला कर दिया। यह खौफनाक मंजर देख लॉर्ड मॉर्बियस के आतंकी साथी कह बैठे, लॉर्ड मॉर्बियस, तुमने तो कहा था कि नागराज अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यह तो हमारी मौत बनकर हमारी ही ओर बढ़ रहा है। नागराज की मौत का सामान निकालो मॉर्बियस, वरना इसकी कलाइयों से निकलते मौत का सामान हमारा काल बन जाएगा, नागराज ने सैनिकों पर अपना कहर ढाते हुए कहा। दुनिया का सबसे घातक हथियार है भय, भय शत्रु के सोचने की शक्ति का नाश कर उसे निर्बल और असहाय बना देता है। भय और मौत के सौदागर आज अपनी मौत सामने देखकर कितने दयनीय प्रतीत हो रहे हैं, परंतु जो इन्होंने दुनिया को दिया है आज नागराज इन्हें वही वापस देगा, घृणा और मौत। उधर पार्लियामेंट के बाहर मौजूद छावनी पर ऑर्डर ऑफ बेबल के सदस्य घातक प्रहार कर रहे थे। एडा ने कहा, हमारी संख्या जर्मन आर्मी के मुकाबले गिनती की है माइकल, आखिर हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे? तब माइकल ने कहा, जर्मन सेना में अभी भी जर्मनी के वफादार सैनिकों की कमी नहीं है एडा, जनरल स्ट्रैंगलर की मौत और नागराज के हमारे साथ आ जाने से जर्मनी के वफादार सैनिक भी अब नियो नाजियों के खिलाफ इस जंग में
हमारे साथ हैं। उधर सिल्वरलैंड पर कोबरा फोर्सेस के हर सैनिक को वर्षों तक प्रतिदिन सीमित मात्रा में घातक विष देकर कोबरा के समान ही विषैला और घातक बनाया गया है। इनकी ग्रीन मिस्ट रूपी विष फुंकार सैनिकों को इनके सामने टिकने नहीं दे रही। इनके प्राचीन स्नैक हैंड स्टाइल को काटने की क्षमता भी सिल्वरलैंड योद्धाओं के कुंफू में नहीं है। इनकी कोबरा जैसी फुर्ती और खुद को हवा में स्थिर करके दुश्मन पर प्रहार कर सकने की मारक क्षमता सिल्वरलैंड सेना की संख्या तेजी से घटा रही है। और तभी ब्लैक कोबरा ने सेंगो पर वार करते हुए कहा, इसका मतलब है कि ना तेरी सेना कोबरा फोर्सेस का मुकाबला करने योग्य है और ना तू इस योग्य है कि कोबरा फोर्सेस के लीडर ब्लैक कोबरा का मुकाबला कर सके। तब ब्लैक कोबरा के वारों से संभलते हुए सेंगो ने कहा, मुझे हार नहीं मानना है, मुझे अपनी समस्त यौगिक ऊर्जा QI शक्ति के रूप में संचित करनी होगी। मेरे पास सिर्फ यही एक मौका है, मैं QI शक्ति का प्रयोग बार बार नहीं कर सकूंगा। तब सेंगो ने ब्लैक कोबरा पर QI शक्ति का प्रहार करते हुए कहा, सिल्वरलैंड को आतंकवाद का गुलाम नहीं होने देगा सेंगो, राजकुमारी तकासी का सम्मान नहीं झुकने देगा सेंगो। लेकिन ब्लैक कोबरा सेंगो का QI शक्ति प्रहार झेल गया और तब ब्लैक कोबरा ने सेंगो पर QI शक्ति का प्रहार करते हुए कहा, QI शक्ति का प्रयोग इकलौता तू ही नहीं जानता सेंगो, ब्लैक कोबरा हर मामले में किंग है, कुंफू में भी। QI शक्ति प्रहार झेलने के बाद सेंगो बुरी तरह घायल हो चुका था। तब ब्लैक कोबरा ने कहा, अपनी आंखें खुली रखना सेंगो, देख कोबरा फोर्सेस सिल्वरलैंड के आखिरी बच्चे सैनिकों को खत्म कर रही है। ब्लैक कोबरा, सिल्वरलैंड राजमहल पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का परचम तेरी आंखों के सामने फहराएगा। इधर जर्मन पार्लियामेंट बर्लिन, लॉर्ड मॉर्बियस ने कहा, यह सब क्या हो गया, नागराज ऑर्डर स्क्रॉल ढूंढने के बाद भी जीवित कैसे है? इसका जवाब तो सिर्फ सूथसेयर ही दे सकते हैं, नागराज मौत बनकर मेरे पीछे पड़ा है, मुझे नागराज से बचाइए सूथसेयर। तब सूथसेयर वहां प्रकट हुआ और कहा, युद्ध में विजय श्री प्राप्त करने हेतु आहुतियां देनी पड़ती हैं मॉर्बियस, तुझे भी अपने प्राणों की छोटी सी आहुति देनी पड़ेगी। यह सुन लॉर्ड मॉर्बियस ने कहा, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे विश्व को एक राष्ट्र बनाने के अभियान का क्या होगा? तब सूथसेयर ने कहा, विश्व एक राष्ट्र बनेगा, तुमने जर्मन पार्लियामेंट पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का परचम फहराकर जो मुहिम शुरू की है उसका अनुसरण पूरे विश्व में होगा, पर तुम्हारी भूमिका मात्र एक प्रवर्तक की थी, नागराज अपनी मृत्यु तक पहुंचेगा, उसके लिए आवश्यक है कि नागराज के हाथों तुम अपनी प्राण आहुति दो। यह सुन खौफ खा गया लॉर्ड मॉर्बियस और कहा, नहीं तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता सूथसेयर। उधर पार्लियामेंट के बाहर ऑर्डर ऑफ बेबल के सदस्य टेवोर ने कहा, अच्छी खबर है गार्जियन, नियो नाजियों ने हमारे और जर्मन सेना के आगे घुटने टेक दिए हैं। तब माइकल ने कहा, एक अच्छी खबर उधर भी है टेवोर, देखो नागराज के नाग सैनिकों ने आतंकवादी ग्रुप्स के आकाओं व नाजी सैनिकों के शव पार्लियामेंट की छत से लटकाए हुए हैं, यह नागराज का संकेत है हमारे लिए कि हम पार्लियामेंट में प्रवेश कर सकते हैं, कम ऑन सुपर सिक्स। उधर अपनी मौत सामने खड़ी देख लॉर्ड मॉर्बियस ने कहा, मैं तुझसे इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला नागराज, गोलियां भले ही तुझे नहीं मार सकती पर और भी हथियार हैं इस दुनिया में तुझे मौत देने के लिए, नाग शक्तियों के बल पर लड़ने वाले के मुंह से निष्पक्षता की बातें शोभा नहीं देती। तब नागराज ने कहा, अपनी नियो नाजी फौज के दम पर जर्मनी को गुलाम बनाने की मंशा रखने वाले तू किसी निष्पक्षता की योग्य नहीं है, फिर भी इसे तेरी अंतिम इच्छा मानकर मैं तेरा मुकाबला निहत्थे ही करूँगा, कोई नाग शक्तियाँ नहीं, जब तक हम दोनों का युद्ध समाप्त नहीं हो जाता मेरे सर्प मेरे घाव को नहीं भरेंगे, जी भरकर वार कर ले मॉर्बियस, तेरे सौ वारों के बदले नागराज सिर्फ एक वार करेगा। और वह प्रहार नागराज का आखिरी प्रहार था लॉर्ड मॉर्बियस पर, अफसोस मॉर्बियस तू तो एक वार भी नहीं झेल सका, बधाई हो गार्जियन, जर्मनी अब सुरक्षित है। तब एडा ने कहा, लॉर्ड मॉर्बियस के नकाब के पीछे का चेहरा देखने के लिए अति उत्सुक हूँ मैं। और नकाब हटाते हुए माइकल ने कहा, वाइस प्रेसिडेंट जारकोलिन गुआस्को, यह देख, नागराज ने कहा, जर्मन आर्मी को कंट्रोल कोई ऐसा ही कर सकता था जिसकी पहुंच जर्मनी की राजनीति में शीर्ष स्तरीय हो, जर्मनी में लॉ एंड ऑर्डर बहाल करने की जिम्मेदारी नागराज तुम्हें सौंपता है गार्जियन, जर्मनी से नियो नाजी रूपी आतंकवाद का खात्मा तो हो गया परंतु समूचे विश्व में फैले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की अनगिनत कड़ियां आतंकी जंजीर बनकर मानवता को गुलाम बनाए उससे पहले ही मुझे उन कड़ियों को तोड़ना होगा। उधर हंटर लेथफेंदे के पास जा पहुंचा और कहा, नागराज अपने अंतिम सफर पर निकल चुका है लेथफेंदे,
क्या हम आने वाली अनहोनी को रोक नहीं सकते? यह सुन लेथफेंदे ने बताया, नियति को बदला नहीं जा सकता हंटर। यदि किसी एक प्राणी की नियति दिए के समान जलकर विश्व को प्रकाशमान करना है तो उसे ऐसा करने से रोकना उसके और विश्व दोनों के लिए अन्याय होगा। उधर सिल्वरलैंड में ब्लैक कोबरा ने घायल सेंगो से कहा, देख सेंगो, कोबरा फोर्सेस के सैनिक कैसे फुर्तीले कोबरा नागों के समान राजमहल पर चढ़ते जा रहे हैं। लेकिन तभी एक आवाज़ गूंजी, तेरी कोबरा फोर्सेस की फुर्ती और तीक्ष्णता की परीक्षा अब मेरी कोबरा फोर्सेस लेगी। और अगले ही पल नागराज ऑर्डर ऑफ बेबल के सदस्यों के साथ आ पहुंचा सिल्वरलैंड और कहा, आतंकवाद जहां जहां पैर पसारेगा उसकी जड़ें काटने मुझे आना ही पड़ेगा। तब नागराज ने अपनी सर्प सेना कोबरा फोर्सेस पर छोड़ दी। यह देख सेंगो भी टूट पड़ा कोबरा फोर्सेस पर और कहा, वर्षों बाद मित्र को देखकर पूरे शरीर में नव ऊर्जा का संचार हो गया है। तब नागराज ने कहा, दोबारा मिलकर अच्छा लगा मित्र, परिस्थितियां अनुकूल होती तो हर्ष दोगुना होता। तभी ब्लैक कोबरा ने अपने सारे घातक हथियार निकाल लिए और कहा, तू और तेरे मुट्ठी भर साथी कोबरा फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकते नागराज। एशिया भर के आतंकवादियों की कोबरा फोर्स तैयार की है ब्लैक कोबरा ने। तुम्हारी लाशों पर चढ़कर पहले सिल्वरलैंड और फिर पूरे एशिया पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का परचम फहराएगा ब्लैक कोबरा। तब नागराज ने ऑर्डर ऑफ बेबल के सदस्यों से कहा, तुम लोग कोबरा फोर्सेस को संभालो, नागराज ब्लैक कोबरा की ताकत खुद तोलेगा। यह सुन ब्लैक कोबरा ने कहा, मैं भी तेरी ताकत तोलने का तन्मयी हूँ नागराज। और इतना कहते ही ब्लैक कोबरा ने नागराज पर शक्ति प्रहार किया। क्यू आई यानी योग द्वारा अपनी आंतरिक यौगिक ऊर्जा को चरम स्तर पर पहुंचाकर प्रतिद्वंदी पर घातक वार करने की कला। ब्लैक कोबरा की यौगिक शक्तियाँ काफ़ी खतरनाक हैं। इसका वार मेरी अपेक्षा से अधिक तीव्र था और इनका प्रयोग यह प्रकाश गति की फुर्ती से कर रहा है। इतने वारों से एक साथ बच पाना मुश्किल है। शरीर और मस्तिष्क को पुनः क्रियाशील होने में कुछ पल लगेंगे और यह कुछ पल ही मेरे लिए घातक साबित हो सकते हैं। अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। अबू धाबी के ऑयल फील्ड्स बम धमाकों में आग का अतः सागर बन चुके हैं। सैकड़ों हजारों लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। फुजा हीरा बंदरगाह भीषण बमबारी में तबाह हो चुका है। अमीरात के बैटल शिप्स और नौसेना नेस्त नाबूद हो गई है। दुबई के बुर्ज खलीफा पर भी यबाक के आतंकी हमला कर उसे ध्वस्त करने की कोशिशें कर रहे हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं मोहतरमा रुएबा खातून। यबाक संयुक्त अरब अमीरात के सातों राज्यों पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का झंडा लहराने का ख्वाहिशमंद है। तब रुएबा ने कहा, खौफ के रहनुमाओं की ख्वाहिशें रुएबा खातून कभी पूरी नहीं होने देगी। सभी अमीरात राज्यों के आकाओं व खाड़ी देशों से संपर्क साधो कमांडर अलबक्स, हमें अपनी फौजी ताकतें एकजुट करके यबाक और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। तब जनरल ने बताया, हमने कोशिश की थी मोहतरमा, लेकिन कोई भी देश या राज्य दूसरे मुल्क को फौजी मदद मुहैया करा पाने के हालात में नहीं है। खाड़ी देशों के अनेकों छोटे बड़े आतंकवादी संगठन और विरोधी ताकतें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर एकजुट हो गई हैं और इसी वजह से आसपास के राज्यों में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कहीं से भी मदद की उम्मीद करना बेकार है। यह सुन रुएबा ने कहा, हम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ेंगे कमांडर अलबक्स। यबाक को हमने पहले भी शिकस्त दी थी, आज भी देंगे। उधर उस अज्ञात जगह पर नागो ने पूछा, तुम इन लोगों से इतना भयभीत क्यों हो सोडांगी? तब सोडांगी ने बताया, मैं किसी से भयभीत नहीं हूँ नागू, अपनों से कैसा भय। निसंदेह तुम दोनों के लिए यह स्थान और यहाँ के लोग अनजान हैं, परंतु नागराज के शरीर में वास करने वाले अन्य इच्छाधारी नागों के साथ साथ मैं भी इस स्थान और इन लोगों से भली भांति परिचित हूँ। यह स्थान है नागद्वीप और ये हैं नागार्जुन, सिंहनाग, सर्पराज, नागदेव, नागप्रेतो और ये पाँचों कहलाते हैं दुर्दम्य सेना पंचनाग। और सम्मुख सिंहासन पर बैठी है नागदीप सम्रागी विसर्पी। उधर सिल्वरलैंड में नागराज पर शक्ति प्रहार करते हुए ब्लैक कोबरा ने कहा, तेरी मौत अब ब्लैक कोबरा के नाम होगी नागराज। और तभी सेंगो नागराज के सामने आ गया और कहा, नागराज की जान इतनी सस्ती नहीं कि तुझ जैसे नीच उस पर अपना नाम लिख सकें। और ब्लैक कोबरा का शक्ति प्रहार सेंगो झेल गया। यह देख नागराज ने कहा, यह तुमने क्या किया सेंगो? घायल सेंगो को देख नागराज बौखला गया और ब्लैक कोबरा पर वार करते हुए कहा, मित्र के मान की रक्षा करना भी मित्र का परम धर्म होता है सेंगो, तुमने तो अपनी मित्रता निभा दी, अब नागराज की बारी है। कर्म योद्धा, किस्मत पर यकीन नहीं रखते ब्लैक कोबरा, आतंक का जहर भरा है ना तेरे और तेरे सैनिकों के शरीर में, देखूं इनमें आतंकहर्ता का जहर पचाने की कुवत है या नहीं। तब नागराज ने अपने जहरीले दंत ब्लैक कोबरा की गर्दन में धंसा दिए।
और देखते ही देखते ब्लैक कोबरा का शरीर मोम की तरह पिघल गया। यह देख सेंगो ने कहा, आज साबित हो गया आतंकवाद का जहर लाख तीक्ष्ण सही, पर आतंक हर्ता के विष के सामने पानी है। फिर सिल्वरलैंड के राजमहल में राजकुमारी तकासी ने कहा, एक बार फिर तुमने सिल्वरलैंड और हमारे सम्मान की रक्षा की है नागराज, पूरा सिल्वरलैंड और हम तुम्हारे व तुम्हारे वीर साथियों के सदैव कृतज्ञ रहेंगे। तब नागराज ने कहा, शर्मिंदा ना करे राजकुमारी तकासी, आतंकवाद का खात्मा नागराज का कर्तव्य है, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। अब विदा दीजिए राजकुमारी, अपने इस कर्तव्य का पालन करने के लिए मुझे जाना होगा। फिर नागराज ने सिल्वरलैंड से विदा ली। तभी ब्लैकबर्ड पर एक खबर प्रसारित हुई, अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार अमेरिका के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन इंस्यूरेक्शनिस्ट के आत्मघाती आतंकवादियों ने वाशिंगटन से उड़े 4 विमानों पर कब्जा कर लिया है। इंस्यूरेक्शनिस्ट के लीडर विक्टर की चेतावनी, यदि 1 घंटे के भीतर व्हाइट हाउस पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का झंडा नहीं फहराया गया तो इन हवाई जहाज़ों को व्हाइट हाउस समेत वाशिंगटन के अन्य रिहायशी इलाकों पर गिरा दिया जाएगा। उधर व्हाइट हाउस पर प्रेसिडेंट की सुरक्षा दलों के साथ मीटिंग चल रही थी। हम चंद लोगों के लिए देश की आन और सुरक्षा खतरे में नहीं डाल सकते, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें रेडी करो जनरल, चारों प्लेन्स को मार गिराओ। यह सुन जनरल ने बताया, ऐसा करना संभव नहीं है मिस्टर प्रेसिडेंट, यदि हमने उन्हें नष्ट किया तो मलबा रिहायशी इलाकों पर गिर कर जान माल की भारी क्षति पहुँचाएगा। इसके अलावा विक्टर के आतंकी जैविक हथियारों से लैस हैं, अगर हमने प्लेन्स ब्लास्ट किए तो जैविक विषाणु पूरे वाशिंगटन के वातावरण में फैल जाएंगे। हमारे पास एक ही रास्ता है मिस्टर प्रेसिडेंट, कि हम इंस्यूरेक्शनिस्ट ग्रुप की मांग मानकर व्हाइट हाउस पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का झंडा फहरा दें। यह सुन प्रेसिडेंट ने कहा, क्या आप लोगों को अंदाज़ा भी है कि अगर विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के आगे घुटने टेक दिए तो पूरे विश्व में क्या प्रलय आएगी। हमें कोई और रास्ता सोचना होगा, और वह भी जल्द से जल्द। उधर ब्लैकबर्ड पर सवार समायरा ने कहा, हम फाइटर जेट से इससे आगे नहीं बढ़ सकते नागराज, वरना जेट बंधक विमानों के रडार रेंज में आ जाएंगे और आतंकी सावधान हो जाएंगे। तब नागराज ने बताया, जेट समुंदर में उतार लो समायरा, हम प्लेन्स तक आसमान के रास्ते नहीं जा रहे, हम सड़कों के रास्ते उन प्लेन्स को चेज करेंगे। व्हाइट हाउस के निकट मौजूद प्लेन को मैं हैंडल करूंगा, बाकी 3 प्लेन्स तक पहुंचने के लिए तुम लोग 3 टीम्स में काम करोगे। आगे का प्लान इन बैग्स में है। ऑर्डर ऑफ बेबल के सदस्य वह बैग देखकर चौंक पड़े और कहा, विश्व के सबसे खतरनाक हथियार जिनकी कोई काट नहीं, नागराज का जहरीला बारूद। तब नागराज ने बताया, इनकी मदद से मैं तुम सबके मानसिक संपर्क में रहूंगा और तुम्हें निर्देशित करता रहूंगा। इंस्यूरेक्शनिस्ट के आतंकी सड़कों पर आम जनता के वेश में इन प्लेन्स पर नज़र रखे हुए होंगे, लेकिन मेरे नाग सैनिक उनके हथियार सूंघ सकते हैं। उनके कुछ समझ पाने से पहले ही मेरे नाग सैनिक उनका काम ख़त्म कर चुके होंगे। काम का पहला चरण समाप्त, अब दूसरा शुरू होगा। आतंकवादी प्लेन्स को निर्धारित सीमा से काफ़ी नीचे उड़ा रहे हैं, यह बात हमारे हक में है। यह विशेष चुंब नाग है, इसके शल्क शक्तिशाली सक्शन कप्स की तरह किसी भी सतह से चिपक सकते हैं। चुंब नाग कॉकपिट में मौजूद पायलट और यदि वहाँ कोई आतंकवादी मौजूद हुआ तो उसे सम्मोहित कर देंगे। सम्मोहित पायलट प्लेन के पीछे मौजूद कार्गो शटल का दरवाजा खोल देंगे। पैसेंजर्स को हॉस्टेज बनाए आतंकियों को इसकी भनक भी नहीं लगेगी और नाग रस्सी के सहारे तुम लोग प्लेन के अंदर पहुंच जाओगे। इसके आगे का मोर्चा तुम लोगों को खुद ही संभालना होगा। तब ऑर्डर ऑफ बेबल के सदस्यों ने जहाज को बंधक बनाए आतंकवादियों पर हमला कर दिया। आतंकी ऑर्डर ऑफ बेबल के हमलों से अपने आप को नहीं बचा पाए और अब यात्री विमान ऑर्डर ऑफ बेबल के सदस्यों की सुरक्षा में था। तब नागराज ने सर्पों से मानसिक संपर्क स्थापित करते हुए बताया, जैसे ही तुम लोग प्लेन में मौजूद आतंकवादियों का खात्मा करोगे, चुंबनाग सम्मोहित पायलट को जहाज सुरक्षित उतारने का मानसिक आदेश दे देंगे। अब सिर्फ व्हाइट हाउस को निशाना बना यह आखिरी प्लेन बचा है, जिसे बचाने के लिए मेरे पास हैं सिर्फ 5 मिनट। उधर व्हाइट हाउस में विक्टर ने कहा, सिर्फ 5 मिनट हैं तुम्हारे पास मिस्टर प्रेसिडेंट, उसके बाद अमेरिकन जनता को तुम्हें प्रेसिडेंट चुनने पर अफसोस होगा। तब प्रेसिडेंट ने अपने जनरल को आदेश दिया और कहा, और कोई चारा नहीं है जनरल, व्हाइट हाउस पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का झंडा फहराने की तैयारी करो, अब हमारे सुपर पावर नेशन को कोई सुपरमैन ही बचा सकता है। उधर यूनाइटेड अरब अमीरात याबाक की सेना ने रुएबा खातून की सेना पर घातक हमला करते हुए कहा, चंद साल पहले उस काफिर नागराज के साथ मिलकर रुएबा खातून ने मेरे अब्बा जान यूसुफ बिन अली खान और उनके जिहादी संगठन
या बाग का खात्मा कर दिया था। आज वो वक्त आ गया है जब यासिर बिन अली खान उर्फ यबाक पूरे संयुक्त अरब अमीरात पर कब्जा करेगा। दुबई के साथ ही पूरा अमीरात यबाक और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का गुलाम होगा। और इस घातक युद्ध के नतीजे ने रुएबा को यबाक के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तब यबाक ने कहा, बंदी बना लो इसे, पूरे अमीरात पर अब यबाक की हुकूमत है, बुर्ज खलीफा पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का झंडा फहरा दो। उधर नागद्वीप पर सोडांगी ने कहा, हमें इस तरह यहाँ लाने के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य है? यह सुन विसर्पी ने बताया, हमारे जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मानव लोक में फंसे इच्छाधारी नागों के हितों की रक्षा और मानव से उनकी सुरक्षा। लेकिन ऐसा लगता है कि नागराज की तरह तुम लोग भी इच्छाधारी नाग जाति के प्रति अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए हो। तब सोडांगी ने कहा, तुमने हमें यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है विसर्पी। मौजूदा परिस्थितियों से निपट कर हम लोग खुद ही नागराज को रोकने जा रहे थे। यह सुन विसर्पी ने कहा, झूठ। यदि महात्मा कालदूत ने हमें सही समय पर चेताया नहीं होता और पुजारी बाबा की तप शक्ति के बल पर हमने तुम लोगों को बंधक बनाकर नागद्वीप ना बुलाया होता तो अब तक तुम लोग नागराज के साथ मिलकर मानवों का उद्धार करने के लिए इच्छाधारी नाग जाति को बलि चढ़ा चुके होते। झूठ और फरेब के अलावा तुमसे और उम्मीद भी क्या की जाए सोडांगी, नागराज के लिए तो तुम कुछ भी कर सकती हो। यह सुन सोडांगी ने कहा, तुम पहले तय कर लो विसर्पी की तुम्हारी समस्या क्या है, इच्छाधारी नाग जाति, नागराज या फिर मैं। तभी पुजारी बाबा वहां आए और कहा, नागराज मानवों के कल्याण के लिए इच्छाधारी नागों के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है, यही हमारी समस्या है। हमने अपनी तप शक्ति के बल पर नागराज को यहां लाने की कोशिश की थी, परंतु किसी दूसरी तप शक्ति ने हमारी शक्ति को परिवर्तित कर दिया, इसीलिए हमें सम्राज्ञी विसर्पी के आदेश पर तुम लोगों को यहाँ लाना पड़ा। विश्व भर में मौजूद इच्छाधारी नागों को भी सम्राज्ञी विसर्पी के आदेश पर यहाँ नागद्वीप बुलाया गया है। यह विषम संकट का समय एक दूसरे से लड़ने का नहीं है नाग शक्तियों। आने वाली आपदा से इच्छाधारी नागों की रक्षा करने हेतु महात्मन कालदूत घोर तपस्या में लीन हो गए हैं। अब इच्छाधारी नागों को अपने अस्तित्व की लड़ाई स्वयं ही लड़नी होगी। सभी इच्छाधारी नागों को एकजुट होकर नागराज को रोकना होगा। इधर अमेरिका के प्रेसिडेंट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का झंडा व्हाइट हाउस पर फहराने जा ही रहे थे कि उन्हें खबर मिली, रुक जाइए मिस्टर प्रेसिडेंट, हाईजैक हुए तीनों विमान सुरक्षित वाशिंगटन एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं और जो चौथा विमान व्हाइट हाउस की ओर बढ़ रहा है उसमें नागराज सवार है। यह सुन प्रेसिडेंट ने कहा, नागराज यानी प्लेन से ही नहीं पूरे अमेरिका से आतंकवाद का खात्मा होने वाला है। नागराज ने प्लेन में मौजूद आतंकवादियों पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उधर विक्टर ने कहा, डैम इट, अगर नागराज अपने साथियों के साथ ऐन वक्त पर नहीं टपकता तो व्हाइट हाउस पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का परचम लहरा रहा होता। तभी सूथसेयर विक्टर के सामने प्रकट हुआ और कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है विक्टर, तुम्हारे पास सूथसेयर और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ताकत है। हमने तुम्हें और तुम्हारे संगठन को इंस्योरेक्शनिस्ट के रूप में पुनः इसी दिन के लिए तैयार किया था। तब विक्टर ने कहा, हमारे आदमी दोबारा नाकाम नहीं होंगे महान सूथसेयर, मैं इंस्योरेक्शनिस्ट सेना को अभी न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पर कूच करने का आदेश देता हूँ। तब सूथसेयर ने बताया, अपनी सेना तैयार रखो विक्टर, नागराज अपने साथियों के साथ तुम्हारी तलाश में यहीं पहुँचेगा। यह सुन विक्टर ने कहा, नागराज दोबारा इस धरती पर कदम रखेगा तो उसकी कब्र इसी धरती पर अपने हाथों से खोदेगा विक्टर। इंस्योरेक्शनिस्ट सेना को द्वीप के चारों ओर और किले में हर जगह तैनात कर दो, नागराज और उसके साथियों का स्वागत धमाकेदार होना चाहिए। इधर नागराज न्यूयॉर्क कोस्ट से 200 किलोमीटर दूर स्थित विक्ट्री आइलैंड की ओर बढ़ रहा था, जहां पर इंस्योरेक्शनिस्ट का बेस कैंप था और जहां उन्हें मिलेगा विक्टर। नागराज और उसके साथी नाव की मदद से आगे बढ़ रहे थे। तब नागराज ने बताया, यहां कभी अमेरिका के सबसे बड़े गैंगस्टर और टेररिस्ट हेड विलियम का अड्डा हुआ करता था, जिसे वर्षों पहले मैंने तबाह किया था। आतंकवादियों की वायल पर विलियम का निशान देखकर मैं समझ गया था कि इंस्योरेक्शनिस्ट के तार विलियम और विक्ट्री आइलैंड से जुड़े हुए हैं। तभी उनकी नाव पर जोरदार धमाके हुए और सभी पानी में कूद गए। तब नागराज ने बताया, फेफड़ों में अच्छी तरह ऑक्सीजन भर लो, क्योंकि आगे का सफ़र हमें पानी के नीचे तैरकर ही पार करना होगा। लेकिन आगे बढ़ते ही नागराज चौंक पड़ा, ओह नहीं, पिराना मछलियों की फौज है यहाँ, यह तो पल भर में सबको चट कर जाएगी। सार्कों के झुंड से निपटना आसान है लेकिन पिराना से नहीं। यदि मैंने इन पर विष फुंकार का प्रयोग किया तो
वे मेरे साथियों के लिए जानलेवा सिद्ध होगी। इनसे निपटने के लिए जल सर्पों का प्रयोग करना होगा। यह आम पिराना नहीं है, शायद इन्हें विषैले जीवाणुओं से इन्फेक्ट करके ऐसा बनाया गया है। विक्टर के आदमियों की गोलीबारी बंद नहीं हुई है। मुझे जल सर्पों को मानसिक आदेश देना होगा कि वे पिरानाओं को पानी के भीतर धमाका करते इन रॉकेट्स की ओर ले जाएं। समुद्र का पानी जितना वक्त इस आग को ख़त्म करने में लेगा, उतना वक्त इन पिरानाओं को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। यह मुसीबत तो ख़त्म हुई, अब इन धमाकों से बचते हुए जल्द से जल्द हमें किनारे तक पहुंचना होगा। और कुछ पलों बाद किनारे पर पहुंचते ही उनका सामना हुआ घातक जीवाणुओं से संक्रमित कुत्तों से, जिनके ऊपर विस्फोटक बंधे हुए थे। और तभी ऑर्डर ऑफ बेबल के सदस्यों ने उन कुत्तों पर हमला करते हुए कहा, यह तो सिर्फ कुत्ते थे, इंसानी कुत्ते अब आ रहे हैं, इनसे भी निपट लेंगे। और तब शुरू हुआ विक्ट्री आइलैंड पर खूनी जंग। विक्टर की वायुसेना देख जिंग ने कहा, इन लोगों ने तो पूरी दुनिया को तबाह करने का सामान जुटा रखा है। तब नागराज ने कहा, वर्षों पहले मैंने डॉन के साथ मिलकर विक्ट्री आइलैंड को तबाह कर दिया था। मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि यह जगह पाप के नासूर के रूप में पुनः पनप जाएगी, वह भी पहले से कहीं अधिक भयावह रूप में। तुम लोग जमीनी हमलावरों को संभालो, मैं इनकी उड़ान को सातवें आसमान पर पहुंचाता हूं। शारीरिक बल और इच्छा शक्ति का एक एक कतरा लगाना होगा मुझे। और देखते ही देखते नागराज ने उन विमानों को मार गिराया। तब टेवोर ने कहा, किले तक जाने का रास्ता साफ है नागराज। तब नागराज ने बताया, पहले छावनी बने किले को आतंकवाद का कब्रिस्तान बनाना होगा, उसके बाद ही हम भीतर प्रवेश कर पाएंगे, जहां हमें मिलेगा इंस्यूरेक्शनिस्ट का लीडर। लेकिन अंदर प्रवेश करते ही नागराज विलियम को देख चौंक पड़ा। खा गया ना धोखा नागराज, मैं विलियम नहीं हूँ, मैं उनका क्लोन हूँ। विलियम द ग्रेट को अंदेशा था कि आपात मृत्यु के कारण उनका विश्व विजय अभियान अधर में ना रह जाए, इसीलिए उन्होंने मौत को हराने का अनोखा तरीका निकाला। विलियम द ग्रेट ने हूबहू उनके जैसे 10 क्लोन तैयार करवाए। मैं उन्हीं 10 क्लोन्स में से एक हूँ। बाकी 9 क्लोन्स विश्व के अलग अलग गुप्त स्थानों पर सुप्त अवस्था में सुरक्षित हैं। हम सभी रावण के 10 सिरों की तरह विलियम के 10 सिर हैं। तू एक को काटेगा तो उसकी जगह दूसरा खड़ा हो जाएगा। विक्टर के आदेश की अवहेलना का दंड अमेरिका को भुगतना होगा। अगले 5 मिनट में परमाणु मिसाइलें छूटेंगी, जो कि वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो को तबाह कर अमेरिका को हिरोशिमा का नज़ारा दिखा देंगी। और तभी विक्टर ने अपनी टेबल पर मौजूद बटन दबाते हुए कहा, मुझ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है नागराज, यहाँ मौत विक्टर के इशारे पर नाचती है, और तुझे मौत देने के लिए तो मैंने एक खास प्यादा तैयार किया है, अजगरा। यह देख नागराज ने कहा, समय बहुत कम है साथियों, मैं इसे रोकता हूँ, तुम लोग कंट्रोल रूम ढूंढ कर मिसाइलों की लॉन्चिंग रोको। लेकिन अगले ही पल अजगरा ने जकड़ लिया था नागराज को। तब नागराज ने कहा, बदी की जकड़ लाख फौलादी सही, लेकिन नेकी को कैद नहीं कर सकती। नेकी तो उस प्रकाश के समान है जो हर बांध हर जकड़ को चीर कर फैलता जाता है। उधर नागद्वीप पर युद्धका ने कहा, इच्छाधारी नागों के अस्तित्व को बचाना है तो नागराज के अस्तित्व को मिटाना होगा। यह सुन सौडांगी ने कहा, इच्छाधारी नागों के हितों की आड़ लेकर नागराज से अपनी निजी शत्रुता निकालने की तेरी मंशा मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ युद्धका। हम नागराज को रोकने के लिए तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अगर तुम में से किसी ने नागराज को खरोच भी पहुँचाई तो याद कर लेना कि सौडांगी ने पिछली बार तुम्हारा क्या हाल किया था। अच्छी तरह याद है मुझे वह मनहूस दिन जब विसर्पी की शादी के लिए नागराज नागद्वीप आया था, जहाँ पुजारी बाबा ने बताया, नागकुमारी विसर्पी के स्वयंवर हेतु आपको यहाँ बुलाया गया है नागश्रेष्ठ। नागद्वीप का सम्राट होने के नाते यह आपका कर्तव्य भी है और दायित्व भी है कि आप इस स्वयंवर में भाग लें। तब नागराज ने बताया, क्षमा चाहता हूँ पुजारी बाबा, मैं इस स्वयंवर में हिस्सा नहीं ले सकता। मैंने संपूर्ण विश्व से आतंकवाद के खात्मे का प्रण लिया है, मेरे लिए गृहस्थ जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है। तभी युद्धका वहाँ आया और कहा, यदि तुम्हें स्वयंवर में भाग लेना स्वीकार नहीं तो इसका अर्थ यह हुआ कि ना तुम नागकुमारी विसर्पी के योग्य हो और ना ही तुम नागद्वीप व इच्छाधारी नागों के सम्राट कहलाने के योग्य हो। तुम्हें नागद्वीप का सिंहासन त्यागना होगा नागराज। यह सुन विसर्पी ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो लंगारा सम्राट युद्धक। तब नागराज ने कहा, लंगारा सम्राट ठीक कह रहे हैं विसर्पी, लेकिन नागराज ने मन ही मन कहा, मैं जानता हूँ कि विसर्पी भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है जितना कि मैं उससे। विसर्पी को नागराज से नफरत करनी होगी, सिर्फ और सिर्फ नफरत।
साथ ही मुझे नागद्वीप से हमेशा के लिए दूर जाना होगा। मेरा बार बार नागद्वीप आना इस द्वीप और इच्छाधारी नागों के अस्तित्व की गोपनीयता को संकट में डाल सकता है। तब नागराज ने कहा, मेरे दिल में ना विसर्पी के लिए कोई स्थान है और ना ही इस द्वीप या इसके वासियों के लिए। नागराज के जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानवों के हितों की रक्षा करना है। इच्छाधारी नाग मेरे इस उद्देश्य के आड़े आए यह मुझे मंजूर नहीं। मैं इस द्वीप का सम्राट पद त्यागता हूँ। मेरा नाता ना इस द्वीप से है ना ही तुम लोगों से। यह सुन विसर्पी ने कहा, होश में आओ नाग सम्राट, यह क्या कह रहे हो तुम? तब नागराज ने बताया, होश में आने की जरूरत मुझे नहीं तुम्हें है विसर्पी। मैंने कभी तुमसे प्रेम नहीं किया। और तभी सौडांगी बाहर आई और कहा, यही सत्य है विसर्पी, क्योंकि नागराज तुमसे नहीं मुझसे प्रेम करता है। तब नागराज ने कहा, हाँ विसर्पी, मैं सौडांगी से प्रेम करता हूँ। यह सुन युद्धक बौखला गया और कहा, यह नागकुमारी विसर्पी का अपमान है। नागराज ने सिर्फ विसर्पी ही नहीं बल्कि पूरी इच्छाधारी नाग जाति की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। हम यह कदापि सहन नहीं करेंगे। नागराज को उसकी इस घृष्टता का दंड देंगे। तभी सौडांगी बाहर आई और युद्धक को जकड़ते हुए कहा, नागराज की ओर बढ़ा तुम्हारा एक भी कदम तुम्हें अपनी मौत की ओर ले जाएगा। नागराज के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ सदा के लिए खामोश कर देगी सौडांगी। तभी कालदूत वहां प्रकट हुए और कहा, रुक जाओ, बंद करो यह तमाशा। नागद्वीप पर अजनबियों का आगमन निषेध है। अब जब नागराज इस द्वीप से संबंध विच्छेद कर चुका है तो हम उसे इस द्वीप से सदा के लिए निष्कासित करते हैं। चले जाओ यहाँ से नागराज, और याद रखना, यदि आज के बाद तुमने इस द्वीप पर कदम भी रखा तो कालदूत उसी पल तुम्हारे जीवन पर पूर्ण विराम लगा देगा। तब नागद्वीप से जाते हुए नागराज ने कहा, इस झूठ में मेरा साथ देने के लिए थैंक्स सौडांगी। तब सौडांगी ने कहा, तुम्हारे मानसिक आदेश पर विसर्पी से झूठ बोलने को विवश हो गई थी मैं, परंतु तुमने यह ठीक नहीं किया नागराज, ना अपने साथ ना ही विसर्पी के साथ। तब नागराज ने बताया, मैंने जो कुछ भी किया उसमें ही मानव जाति और नाग जाति का हित है सौडांगी। उधर विक्ट्री आइलैंड पर नागराज अजगरा की बाहों में जकड़ा हुआ था और कहा, 5 में से 2 मिनट बीत चुके हैं, इस लड़ाई को जल्दी निपटाना होगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर संपूर्ण विश्व में वर्ल्ड वॉर शुरू कर चुका है, जिसे रोक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ नागराज। क्या नागराज खत्म करेगा यह विश्व युद्ध या उसे प्राप्त होगी वीर गति? उस महानायक की अंतिम गाथा जिसने मानव जाति और नाग जाति के अस्तित्व की सुरक्षा हेतु अपना सर्वस्व लुटा दिया और जिसे बदले में मिला सिर्फ तिरस्कार और वीर गति।